मौलवी गिरफ्तार। नापाक साजिश में पाकिस्तान नेपाल कनेक्शन। सूरत पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स पर ऐसे संगीन आरोप हैं जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। मौलवी सोहेल अबू बकर नाम के इस शख्स के ऊपर देश के कई बड़े हिंदुवादी नेताओं की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि आरोपी मौलाना के मोबाइल फोन से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। जांच में पता चला कि आरोपी मौलाना कई हिंदू नेताओं पर हमले और उनकी हत्या की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मौलाना पाकिस्तान से भी संपर्क में था। आरोपी के मोबाइल फोन में सूरत के राष्ट्रीय सनातन धर्म के अध्यक्ष उपदेश राणा को मारने की प्लानिंग की चैट थी। इसके अलावा हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह और नुपुर शर्मा को धमकी देने और उनको टारगेट करने की प्लानिंग आरोपी के मोबाइल फोन से मिली। यही नहीं, आरोपी के फोन से पाकिस्तान और नेपाल में कई बार कॉल किया गया और पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की बात का भी चैट में पर्दाफाश हुआ है। इनको टारगेट करने के लिए इनकी पूरी चैटिंग और पूरी प्लानिंग उसमें इनके मोबाइल फोन में से मिली, आरोपी के मोबाइल फोन से। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि इनके नंबर में पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ कंटिन्यूस इनका जो टॉक हो रही है, उनको 1 करोड़ रुपया देने की बात हो रही है मारने के लिए, और उसके अलावा वेपन मंगाने की बात हो रही है जो है कि वेपन मंगाया जाए पाकिस्तान से, उसके बाद ये टारगेट जल्दी जल्दी किया जाए। अभी पूरी क्राइम ब्रांच की के कार्रवाई कर रही है। अभी प्राथमिक दृष्टि ये जो मौलवी सोहेल है, ये काफ़ी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है, 27 साल इसकी उम्र है और काफ़ी जो धार्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति है ये। तो और क्या क्या ये लोग करने वाले थे, किसी और को टारगेट करने वाले थे, कब करने वाले, इनके साथ कौन है, वो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोपी की लिस्ट में कई हिंदुवादी नेता थे, लेकिन आरोपी के मोबाइल फोन में मिले चैट के मुताबिक उपदेश राणा को मारने की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। इसके लिए आरोपी मौलवी पाकिस्तान नेपाल समेत कई देशों के फोन नंबरों पर लगातार संपर्क में था। इसी दौरान आरोपी मौलवी की पाकिस्तानी शख्स से बातचीत पुलिस के हाथ लग गई, जिसमें मौलवी ने उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी भी दी थी। इस बीच उपदेश राणा को पाकिस्तान नेपाल और लाओस के फोन नंबरों से धमकी भी मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक अपने टारगेट को अंजाम देने के लिए आरोपी कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करता था। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, एक मौलाना को सूरत से, जिसने 1 करोड़ की सुपारी उपदेश राणा की देने की बात स्वीकारी है या उस प्रोसेस में था मामला, जिसको जिस षड्यंत्र को गुजरात पुलिस ने, सूरत पुलिस ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। आगे इसमें बहुत संभावनाएं हैं पूरी परत खुलने की। और अभी 1 महीने पहले गोड़ादरा पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी और मुझे आरडीएक्स से लेकर जो धमकी आती थी, आरडीएक्स लेकर उड़ा देंगे, आईएसआई से बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, कंटिन्यू मेरी 25-30 एफआईआर दर्ज थी। इन्होंने सारे टारगेट को अपना अलग अलग